वो टीवी का रिकॉर्ड की देखिए कैसे बढ़ता। अब बताए पैसा हम कमा रहे हैं कि छाप रहे हैं, समझ में आने खाली सिर्फ इस्तेमाल किए कि क्या करना चाहिए इसके बारे में सोच। अब सही मौका आया है ये बिजनेस को उछाल करने के लिए। जब टिकट इतना तो खोज रहा है तो 3,000-1,000 बोला कि बिजनेस करने आए कि खेल करने आए। तो 3,000 जो पीवी बना उसके बाद देखिए क्या होता है कि हम लोगों को ये था थोड़ा सो कि एक महीना पूरा टाइम नहीं मिला था, मात्र हमको मीटिंग हो गया 3 तारीख को टेस्ट कौन महीना चल रहा अगस्त जुलाई जून में हुआ 23 जून। तो 23 जून का जो अब देखिए एगो होता है कि पूरा अंतिम महीना हो जाता तो ऐसे सब टीवी बना लेता है, मगर हमको 23 जून को टिकट नहीं बेचना ये भी दिमाग था। हमको टिकट 17-18 तारीख को बिक जाना चाहिए। अब 5 तारीख को प्लानिंग किए थे, अभी 5 तारीख को भी कि हम लोग बैठे टॉप लीडर में अभी पब्लिक के पास आवाज नहीं दिया था। अब 15 तारीख तक हमको टिकट बेचना भी है, मतलब 10 दिन के अंदर इस तरह प्लान किए और पता चलता है 20 को नहीं 20 से पहले मेरा 17-18 दिन में 3,000 पीवी 5,000 लोग किसी को पता सिस्टम। अगर जब सिस्टम को फॉलो कीजिएगा अच्छा मौका आएगा। जैसे यहाँ भी सुन रहे थे कि इस बार बड़ी टिकट पहले से खत्म होता, आप लोग भी ऐसा इस्तेमाल कर सकते थे। तो देखिए इस तरह के यहाँ भी यहाँ इतने सारे क्राउन एम्बेसडर आए इतना आसानी से मिला। बहुत सारे लोग बोले कि आपसे मिलने के लिए स्पेशल आए, तभी भरपूर फायदा उठाते इसका, सही है कि गलत है? उठाने आएगा तब ना, अभी बोलते कि इस तरह कैसे इतना आसानी से टिकट नहीं मिलेगा। तो देखिए इस तरह के अगर जो कोई भी अगर जो बिजनेस करने के लिए देखिए ये बात सही है कि हम लोग प्रोडक्ट ही पर बिजनेस कर सकते हैं, ये सभी लोग जानते हैं, मगर ये बात थोड़ा सी देखिए ये प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगा था ठीक है, अगर इसमें से पैसा नहीं आता तो आज मेरे हस्बैंड की कपड़ा का दुकान में ताला मार करके क्या आज इस मीटिंग में आप 3-4 दिन से क्या करते हैं आप सोचिए इसके बारे में। पता चलता है किसके कारण से सभी कोई प्रोडक्ट तो सबका फायदा कर जाता है और उसको ये समझ में नहीं आ रहा, उसको करियर समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आता तो उसको विश्वास नहीं होगा, ये भी बात है। अब समझ में आता है विश्वास नहीं है कि आखिर देखिए यही पैसा के चक्कर में सभी आदमी को देखिए चाहे डॉक्टर हो प्रोफेसर हो चाहे मतलब कोई भी काम कर रहे हैं चाहे बिजनेस कर रहे हैं चाहे कुछ भी दिन रात भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं। अब दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे हैं मगर पैसा आपसे आगे आगे क्या पकड़ा रहा है आपसे पैसे, और आप लोग ऐसा चाहते हैं कि हम आगे आगे जाए पैसा पीछे पीछे आ रहे हैं। देखिए कैसे आसानी से हो जाता है, ये भी देखना बहुत जरूरी है कि A7 मेरे हस्बैंड भी बताए कि आपको हम प्रोडक्ट खाने के लिए एकदम ये असली सच्चाई है, कोई नहीं कि आगे इतने बड़े पोस्ट पे आ गए हमको सारे सीनियर लोग जो भी जानते हैं हम लोग मान लू के अग्रवाल सर के लिए एक जबरदस्त तालियां मार रहे हैं। लेकिन अग्रवाल सर भी बात को हमसे बोले कि पैसा के लिए सब लोग आते मगर बोले हम तो नहीं आए थे, ये भी सवाल उनसे किए कि हम तो इसमें तो ज्वाइन नहीं कर किए थे, पैसा के नंबर तो हमको कोई ज्वाइन करा नहीं सकते थे क्योंकि बताया ना मेरे हस्बैंड की अभी कपड़ा की दुकान फैक्ट्री सिनेमा हॉल जहां से मेरा 12 स्टाफ खर्चा था बहुत सारा पूंजी उधर लगा हुआ था, मगर फिर भी उतना परिश्रम करने के बावजूद भी पूंजी लगाने के बावजूद भी फिर भी भरपूर धन नहीं आ रहा था। दिन रात पैसे के पीछे भाग रहे थे, जो 8 बजे घर से निकलते थे 11 बजे घर वापस आते थे, इतना टेंशन लगता था 11 बजे 12 बजे महाराष्ट्र के कोई टेंशन नहीं, मैं बिहार में टेंशन है 12 बजे 11 बजे रात को घर जा रहे क्योंकि
छोटा सा शहर है, 8-9 बजे सब घर पहुंच जाते हैं जो बिहार में, उनको मालूम होगा उधर है ना 7-8 बजे। महाराष्ट्र के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, यहाँ टाउन है तो ज्यादा। तो देखिए इस तरह के आते थे, मगर इस सिस्टम हम आए थे प्रोडक्ट खाने के लिए और प्रोडक्ट हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि ये पता चला कि इसका बुक में से पढ़ के देखे, क्योंकि शुरू में हम प्रोडक्ट खाने समय हम किसी को मीटिंग नहीं देखे थे, सिर्फ इसका किताब से नेट से थोड़ा जानकारी लिए और देखे कि एक किंग ऑफ हर्ब्स जड़ी बूटियों का राजा है, तो इससे बढ़िया प्रोडक्ट और क्या हो सकता है। क्योंकि बढ़िया चीज हमको, बढ़िया चीज का खाने का सपना, मतलब बढ़िया से बढ़िया हो तो ये सपना था, मगर एक है कि मिलता नहीं था, उतना पैसा भी नहीं था, मगर सोच ऐसा था मेरे पास कि बढ़िया से बढ़िया सामान हो। हमको लगा कि किंग ऑफ हर्ब्स में कहा अगर जो पेस्ट साबुन बिस्किट जो भी इसका कोजिए, अच्छा इससे और तो बढ़िया सामान हो सकता है, हम लोग बढ़िया सामान दीजिए ना, बढ़िया से बढ़िया तो कोई आइए नहीं। तो आप बताइए हम कहाँ जाएंगे अब लाने के लिए, सबसे बढ़िया कहाँ सामान मिलता है, कहाँ जाना चाहिए। इसीलिए हम 12,000 पीवी बनाए थे, कितना भी बता रहे थे, यानी तो मेरा ज्वाइनिंग डेट है और 12 मेरा शुरू महीना का अपना पर्सनल आईडी पे 1766 रुपया का बोनस, हम पर्सनल आईडी कोई ज्वाइनिंग नहीं करवाए थे। फिर इस तरह का मेरा ये जो अच्छा लगा प्रोडक्ट, अच्छा मेरे लिए कि सबके लिए, सभी के लिए, तो परिवार को बताना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, सभी परिवार को बताना चाहूँ कि ये जितना पर परिवार साहब के ऊपर में जितना मेरे फ्रंट में सब परिवार लोग के लिए है। फिर इस तरह डालते गए, ज्वाइनिंग करते गए, इस तरह 5 महीना में डायमंड का पोस्ट लिए और 3 साल में क्राउन डायमंड, 3 साल में और 6 साल में क्राउन अंडरस्टैंड करने के लिए, फिर भी कैसे हो गए, ये तो बहुत अजीबा हुआ थे। ज्वाइनिंग कराने का कभी बिजनेस प्लान नहीं था हम लोगों को, डीएक्शन जो करता ना कभी नसीब से बात सही है कि नसीबों से इसमें काम करता, क्योंकि उस दिन मेरा नसीब कैसे कैसे बन गया कि डॉक्टर रत्नमन प्रोफेसर सर का हम मीटिंग देख लिए, बस यही हो गया। तो ये मेरा नसीब अच्छा था, सही बता रहे थे, क्योंकि हम अपना सीनियर से कभी बात नहीं पूछे क्या स्टार कैसे बनता है, डायमंड कैसे बनता, हमको ये नहीं बताइए एक क्राउन अम्बेसडर कैसे बनता है, जो हमको प्लान बताइए, क्योंकि जिनका मीटिंग देखे थे तब पूछेंगे ना कि किनका मीटिंग था, हम तो नहीं जान रहे थे, वो तो ठीक है डॉक्टर है सब कुछ हम, तो बोले कि जो मीटिंग देने आए थे वो क्राउन अम्बेसडर है, कि क्राउन अम्बेसडर बहुत सोच लीजिए, हम बोला क्राउन अम्बेसडर है तो क्या क्राउन अम्बेसडर आई कोई भी कर सकते हैं, तो आप बता जब सोचना ही है तो छोटा सपना है कि बड़ा सोचना है, तो इसलिए हम छोटा सोचते नहीं, जब करना ही है तो छोटा सोच कैसी। उसी तरह हम किए तो फिर डुप्लीकेट नीचे वाला को कराए, इस तरह सिस्टम मेरा बढ़ते गया। और ये जो प्रोडक्ट पे है ये तो सही बात है कि प्रोडक्ट का नॉलेज पहले होना चाहिए, पर प्रोडक्ट का बिजनेस अगर जो बिजनेस में जब बात करते हैं तो प्रोडक्ट खाने के लिए बताइए, मगर बिजनेस में पैसा के लिए हर एक मीटिंग में बताना पड़े। हम बहुत बार अपना स्टेटमेंट खोल करके सबको दिखाते थे कि देखिए 50,000 1,00,000 1.5 लाख 2 लाख इस तरह से मेरे टीम में सब डुप्लीकेट कर रहे हैं। मेरे टीम में करीब करीब 15 से 20 लोग ऐसे हैं जो भी 1,00,000 रुपया महीना कमाते हैं, 1,00,000 रुपया। जरा सोचिए जो कि खुद ने 1,00,000 कमाते थे, आज देखिए कितने लोगों को एक आपको माध्यम मिला मदद करने के, कितना खुशी मिलता है। अगर जो लोगों का पैसा कमाने के लिए सिखाते तो खुशी मिलता है कि नहीं मिलता, हमको सही बताते अभी हम अपन पैसा नहीं देखते हैं, कहिएगा तो सही बता रहे, हम नहीं देखने जाते, मेरे हस्बैंड देखते होंगे तो नहीं कहते, पहले हम अपना स्टेटमेंट पूरा ध्यान से देखते थे कहाँ कैसे किससे कितना लीडरशिप बोनस आया, क्या आया नहीं आया, कैसे आया क्या, मगर अब हम पैसा अपना नहीं देखते हैं, मगर अपना नीचे वाला को एक आदमी को हम अभी पैसा देते, एक लोग। अगर जो पैसा
यदि तो अगर जो आपको इस महीना में 40,000 आया है, 50,000 है, तो अगला महीना में क्या उसको टारगेट दीजिए कि अगला महीना क्या करना है। अगर जो इस महीने में 50,000 आया तो अगला महीना कहाँ चल जाना है कि 40,000 में फिर चलाना है, तो उसको एक तारीख को ही बताइए। एक तारीख को बताने से क्या होगा फायदा कि एक तारीख को अपना बोलिए अपना बिजनेस कीजिए। एक तारीख को आपका बिजनेस जो होता है शुरुआत होता है, ये पता है ना, तो शुरुआत कहां से करना चाहिए, दूसरों से कि अपने से। हम खुद को एक तारीख को बिजनेस पीवी बना करके हम अपना ऑफिस में जो मेरा बिल रहता था रखा हुआ रहता था। अब बताइए हम एक तारीख को करेंगे तो मेरा टीम कई तारीख को करेगा। अगर जो हम कहते उसको करने के लिए तो क्या वो कर देता, पहले हम किए तो कर रहे, ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह जैसे अभी संतोष देवकर सर दिखा रहे थे जबरदस्त तालियां मचो उनके लिए, खत्म नहीं मिले पानी खत्म हो गया, तो वो जो बिल दिखाए तो थोड़ा गौर से देखे थे मेरा कुकी जो स्पाइस की, इसलिए तो जो नियम बनाए हैं तो किसके लिए, पहले आप लोगों के लिए कि अपने लिए। जब हम नहीं करेंगे तो कोई करने वाला नहीं है, एकदम ध्यान रखिएगा। जब आप नहीं कीजिएगा कोई नहीं करेगा, चाहे लाख रुपए कर लीजिए। तो जब हम मेरा कुकीज बोले कि आपका इतना बिजनेस हुआ कैसे वरदान दी, यही तो हम कुकीज से पीवी बनाते इसीलिए वरदान। जबकि मेरा अभी भी अगर जो हम अपना घर की बात करें और मेरा दूसरा आईडी पर बना लेते हैं पीवी, बात अलग है, मगर घर में मेरा कम से कम 50,000 का सामान खाली घर में खाते हैं, 50,000 का। सोच लीजिए आज हम रिएक्शन नहीं करते तो क्या प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया मिल गया था, आज मेरे हस्बैंड 50,000 का पूरा घर में चिल्ला देते हैं, क्या खा सकते थे। अरे सर के लिए बताइए ना, और खाने के बारे आएगा तो पैसा दे देगा ऊपर नीचे बहुत बार करने बिजनेस आएगा तो कीजिएगा, ठीक है। देखिए कैसे फिर क्या
फिर इस तरह लगातार इनको मलेशिया वाला पर डिमांड देते रहेंगे कि आपको मलेशिया क्वालिफाई करना है तो करना है। तो मलेशिया क्वालिफाई तो करेंगे, फिर डायमंड नहीं बने। हम बोले कि मलेशिया चले गए, 10,000-12,000 इनको स्टार में बोनस आता था। इस तरह करते गए, पिछले महीना मलेशिया क्वालिफाई किए, कितना बोनस है? पिछले महीना डायमंड क्वालिफाई, कितना बोनस आया? 40,000। 40,000 इनको बोनस आया। उसके बाद हम बताए कि 40,000 अगला महीना, 30,000 लेना है कि 50,000 लेना है, तो कई तारीख को डायमंड क्वालिफाई करना, मतलब डायमंड बनना है। उसके बाद उसकी क्वालिफाई नहीं, स्टार के जब तक नहीं जान रहे थे कि डायमंड क्वालिफाई कैसे, तो डायमंड बनेंगे तब ना सीखेंगे कि डायमंड क्वालिफाई कैसे करेंगे। तो एक तारीख भी नहीं किए क्वालिफाई, मगर तीन तारीख ना कितना पीपी हुआ था? 30,000 चार स्टार क्वालिफाई करके इसका 30,000 पीनी। कई तारीख को कर लिए, कहे के अभी नया नया आया, अभी 3 तारीख को हुआ है, मतलब इसके पिछला महीना हमारा, इस महीना 3 तारीख, सब फिर लग रहा है कि नहीं अगले महीना में कई तारीख को करना है क्वालिफाई। देखिए ये लड़का पहले 12,000 रुपया कमाते थे, कहीं कुछ नौकरी कर रहे थे, मतलब क्या चीज में कुछ हॉस्पिटल में ही थे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। 12,000 सोच लीजिए, बोल रहे थे कि हम पैसा पूछे थे कि कितना कमाते थे, 12,000 हम भी कितना दिन से कर रहे थे, 12,000 रुपए। हाँ बढ़िया से अगर जो सीख जाइएगा ना तो 2 महीना भी आएगा 12,000। इतना दिन करने क्या जरूरत? देखिए कहे तो आज लड़का को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कहाँ 12,000 कहाँ 40,000। अभी अभी 1 साल लगभग हुआ है, अब इनके नीचे लाइन में डायमंड का संख्या मतलब जो भी है उसमें आ रहे हैं। तो इस तरह की देखिए काम कराना है। जब तो मेरा फर्स्ट जनरेशन नहीं है, जब भी बताते इनके ऊपर 40,000-50,000 मतलब इस जिस लाइन में है उस लाइन में मेरा 9 लाख पी भी है। इनके ऊपर मतलब 4-5 डेप्थ में फिर भी पकड़े की तेज लड़का है, क्योंकि उसको पैसा चाहिए, मगर फिर भी क्या बोले, बिना प्रोडक्ट खाए हुए आपसे काम नहीं होगा। बोले कि बिना ये तो सोचने की है कि हम पढ़े लिखे कर लेंगे बिना प्रोडक्ट खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाइए, थोड़ा थोड़ा खाइए तो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, मंजूर है? मतलब कि जितना आपको खाइए उतना ज्यादा पैसा आएगा। आप लोग को भी ज्यादा खाना है कि कम खाना है? हम प्रोडक्ट खाने ज्यादा ट्रेनिंग प्रोडक्ट को हम नहीं देखे हैं, खाने से मेरा जो दिल बोलता था वही बता देते थे, जो हमको क्या अनुभव मिला है जो बताने में क्या दिक्कत है। आप लोग रेडी हैं? ध्यान अम्बेडकर मेरा रिकॉर्ड तोड़ने के लिए रेडी है, रिकॉर्ड बनता है तो हम रेडी है। तो देखिए अगर जो रेडी है तो जैसे हम प्रोडक्ट मन से खाए हैं उसी तरह आपको मन से खाना पड़ेगा, उसका टेंशन मत लीजिए। आपको यहाँ सब कुछ फ्री में मिलता है, बशर्ते लेने वाला होना चाहिए। सब कुछ फ्री में मिलता है, अब एक शाम कैसे फ्री मिलता है बता दे कि कुछ कुछ फ्री मिलता है। अब देखिए सब कुछ फ्री में, सबसे पहले प्रोडक्ट आपको 1-2 महीना 6 महीना वो आप पे निर्भर है कि कितना दिन में फ्री करना चाहते हैं। पहला नंबर प्रोडक्ट फ्री होना चाहिए, क्या विजन क्लियर होना चाहिए? मेरा टीम में यही विजन क्लियर कराते हैं कि प्रोडक्ट आपको क्या करना है कि आपको फ्री करना है। जब प्रोडक्ट फ्री कीजिएगा तो उसके बाद सबके फ्री भी करवा देना है, जिसको जिसको आप लाए हैं उसको छोड़ देना है। तो इस तरह फिर आपका क्या होगा, पैसा बढ़ते जाएगा, तो हो सकता है आपका फिर जो आपका सपना है सब सपना पूरा होगा। तो पता चलता आज मेरे टीम में कल पता नहीं रफीक सर लगता पूछ रहे थे कि विजय सर गाड़ी कितना है आपके टीम में, तो बोले सर जोड़ के बताते हैं कितना गाड़ी है, 2 चक्का वाला ना कैसे चक्का वाला, वो भी साहब मेरे टीम में 9, 10 लाख, 12 लाख, 14 लाख इस तरह की गाड़ी आ रहा, उसको कैसे जोड़ते है कि क्या हुआ है, हमको याद नहीं है। तो कल जोड़ कोई चीज हमसे पूछेंगे तो डायरेक्टली, क्योंकि देखिए ये जो हम काम जो कर रहे हैं अब गाड़ी लाना है तो 2 चक्का वाला तो रोज आता है, तो उतना कितना याद रखेंगे, 4 चक्का वाला भी तो गिनती करेंगे तो भी पता चलेगा। मेरे टीम में आज 4 चक्का का गाड़ी लाइन लग गया है,
देख करके, मतलब कुछ मोटिवेशन देने के होना चाहिए ना कि देखिए वो भी तो लड़का कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इससे पहले कुंदन आया तो आज देखिए 10 लाख के वो भी अपना कार, और आज देखिए इस तरह उससे और छोटा छोटा लड़का कुंदन से भी छोटा 18 साल अभी मेरे टीम में है। एक लड़का का 18 साल नहीं पूरा हुआ, उसको बिजनेस करने का मन हो गया। तो बोले बिजनेस करेगा क्या, पढ़ाई करेगा, जो सही बात रहेगा उसको बीबी भी कैसे ही बोले कि हम पढ़ाई नहीं करेंगे और बिजनेस भी करेंगे। तो कह करिएगा तो 18 साल के बिना तो ज्वाइनिंग नहीं कर सकते हैं। तो बोले हम अपना मम्मी के नाम पे आए काम करेंगे, ज्वाइनिंग किसका नाम पे, मम्मी के नाम से करेंगे, ऐसे काम कर रहे हैं। और वो लड़का का भी 18 साल पूरा हुआ, उसका आईडी बोले मगर बोले कि मेरे नाम से करा दीजिएगा। जब 18 साल देखिए अभी 18 साल के नीचे पैसा कितना चाहिए समझ में, वो हमसे बोला कि हमको नाम से करा दीजिए, हम ये हो जाएगा। 18 साल जैसे पूरा हुआ अभी 1.5 साल उस आईडी के हुआ है 62,000 इनकम उसी आईडी के। तो इस तरह अभी काम जो बिहार में जो चल रहा है तो डुप्लीकेट आप लोग भी कीजिए। और सिस्टम, सबसे पहले अब सिस्टम की बात कहा जाए तो एकदम आंख मूंद करके अपना अपलाइन पे विश्वास कीजिए। जो सफल अपलाइन है मतलब जो मीटिंग में बराबर आते हैं जाते हुए सफल हो सकते हैं, वो अपने घर में रहेंगे और आपसे बात करेंगे तो वो क्या होगा, उसको नया नया बात नहीं मालूम रहेगा तो फिर आपको सही तरीके से गार्ड नहीं करेंगे। हो सकता है कि आपको बढ़िया से गार्ड नहीं, बहुत जो जानकारी चाहिए नहीं मिल रहा तो फिर आगे कैसे बढ़िएगा। तो जो बराबर मीटिंग में आते हैं उन्हीं को बात मानना है, जो अच्छा मीटिंग में नाम भी आता है इन्हीं की ज्वाइनिंग करा दिया वो सीनियर नहीं होते सफल। सफल जैसे हम किनको पकड़े, के अग्रवाल सर, एक जबरदस्त आने होना चाहिए। और उनके बाद डॉक्टर मैम प्रोफेसर सर इनको पकड़े, उसके बाद देखिए इन लोग को गार्ड मिलते रहा, आशीर्वाद मिलते रहा। आज देखिए हमको लगता है कि डीएक्शन में आज जो हमको मिल रहा है इस लायक हम नहीं थे। आज देखिए जो भी बता रहे थे कि अभी इसमें किनको मौका मिलना, जैसे हम आ रहे थे तो आप लोग मेरा नाम सुन करके, जैसे कि आज कितना का टिकट है, 500 रुपया देखने का टिकट लिए कि नहीं लिए ना। मेरे हस्बैंड को जी करते थे सिनेमा दिखा देते अमिताभ बच्चन के, तब शाहरुख खान के 500 का टिकट बेचे थे, पूछिए तो कब बेचे हो गए। पागल समझिए डीएक्शन की ताकत, सिस्टम की ताकत। अच्छा इसमें मेरे लिए हो रहा है कि सभी के लिए। उसके बाद जिधर जाते मैडम एक फोटो एक सेल्फी, सोच लीजिए कैसे काम आदमी से खास आदमी वो कहाँ होता है। सब डी एक्शन में इतना सुंदर प्लेटफॉर्म आपको इतना सुंदर प्लेटफॉर्म बनाने वाले डॉक्टर डॉक्टर लिंग से जिनके लिए खड़े होकर के जो जबरदस्त आदमी है
तो क्या कर था, जगह छोटी पा लिया कि नहीं पा लिया? तो यही आपका असली सफलता का क्या है समझना, इनकी पैसा कमाने से कुछ नहीं, आपको चाहने वाला की संख्या ज्यादा होना चाहिए, तब मानिएगा कि हम क्या है सफल है। तो इस तरह के अगर जो आप लोग जो भी है दिल खोल करके काम कीजिए तो मन से इसमें तो इतना मिलेगा कि आपको कभी कभी लगेगा कि इतना कहाँ से मिल रहा है, मतलब पता भी नहीं चलेगा। जैसे अभी इनकम की बात कहा जाए, जैसे बता रहे थे सभी लोग बताए, तो इस तरह इनकम तो सभी लोगों को चाहिए। तो आपको देखिए मेन फार्मूला हम बताते, 20 लाख का इनकम, 20 लाइन में अगर जो 10-10 लाख टीवी कर दी है, कितना लाइन में है 20 लाख, 20 लाख में 10-10 लाख ही नहीं की अच्छे लाइन में 1 करोड़ हो जाए, 20 लाइन में अगर जो आपको 10-10 लाख पीवी हो गया, पक्का आपको 20 लाख रुपया हो गया, 20 लाख का कार्ड नहीं सकता। तो आप लोग करने के लिए रेडी हैं? रेडी हैं? कैसा लगा? तो चलिए आप लोग से भी बहुत अच्छा लगा हमको मिल करके, और आप लोग अभी तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत, इतना शांति से टाइम भी ज्यादा हो गया इसके लिए क्योंकि इधर से लीडर लोगों को कहना था कि मन थोड़ा दे दीजिएगा, हम बोले चले ठीक है कोई बात नहीं है। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी के साथ गुड ऐसी चीजें सस्ती हो जानी चाहिए, बहुत महंगी है तब मजा आएगा, आएगा ना मजा। इन्होंने यही कहा, वस्तु तो मिल जाएगी लेकिन व्यक्ति का सम्मान, उसके लिए जो पहचान है, उसके लिए जो जज्बा है, वो ही आपको आगे बढ़ाएगा। और ये सिंह यही कहता है, जितने लोग आपके नीचे आप जोड़ोगे, जितने लोगों तक आप ये अपॉर्चुनिटी पहुंचाओगे, आप सक्सेस पाओगे। दूसरे क्राउन एम्बेसडर को सुनना चाहोगे? बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं, बुरे वक्त में कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं। क्या करते हैं? रिकॉर्ड ब्रेक करते हैं, बराबर। बुरा वक्त सबका आता है, किसी को छोड़ता है क्या बुरा वक्त? कि ये पहचान वाला है, ये हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई है, अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, नहीं छोड़ता। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है। बुरा वक्त सबका आता है, कोई बिखर जाता है तो कोई निखर जाता है। Happy to welcome the youngest Crown Ambassador of India and the second Crown Ambassador from Uttar Pradesh, the seventh Crown Ambassador of India, Mr. Bharat Goel. आपको नेगेटिव बातें बता देगा, बट यहां पे आप देखिए कितनी ईमानदारी से
निस्वार्थ भाव से वो सफल लोग बिना अहंकार के आज जो इस लेवल पर जो स्टेज पे आ रहे हैं उनकी इनकम बहुत है। कितनी इनकम अगर डीएक्शन के बाहर कोई कमाएगा तो उसके अंदर एक एटीट्यूड आ जाता है, एक अहंकार आ जाता है। बट इस बिजनेस में आप कितने लोगों के अंदर कोई अहंकार नहीं ले रहे, यही इस बिजनेस की बहुत बड़ी वजह है। तो माय टॉपिक इज बिल्कुल बाहुबली जैसा टॉपिक भी है। जैसे शहर में हम बैठे हैं महाराष्ट्र में और मुंबई में, टॉपिक भी वैसे ही है कि आप भी बाहुबली बनना चाहते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम लेना चाहते हैं, फाइनेंशियल बाहुबली। एक लाइफ में मैंने अपने रूल बनाया था इस 16 साल में, एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो सुबह बिस्तर पर उठने पर आपको मजबूर करे। हर रोज सुबह होनी है, हर रोज आपको उठनी है। कोई 6 बजे उठ जाएगा, कोई 8 बजे, बहुत बहुत 12 बजे उठ जाएगा, पर उठे क्यों? क्या रीजन है आपका सुबह उठ के उठने का और पूरे दिन का? क्या रीजन है, क्या आपका वाई है, क्या आपका मोटिव है सुबह उठने का, ये आपको पता होना चाहिए। मेरा जो मोटिव रहा है इस डीएक्शन के कैरियर में पिछले 16 सालों में, कि हर रोज मिनिमम एक आदमी को डीएक्शन के बारे में, उसकी हेल्थ के बारे में, उसके बिजनेस के बारे में मुझे बताना। आप जिस शहर में रह रहे हैं, मेरे शहर में जाओगे तो आप जितनी देर में यहाँ से 50 कदम जाओगे उतनी देर में मेरा पूरा शहर पूरा हो जाएगा। बहुत छोटा शहर, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर में पूरा शहर रेडियस है उसका। आप इतने बड़े शहर में रहते हो जहाँ लोग ही लोग हैं, उन लोगों को आप, इतने भी लोग टू व्हीलर वाले हैं, वो एक आदमी को लिफ्ट देने की आदत डाल लो आज से। एक आदमी को अपने पीछे बैठाना है और उसको जहां वो ऑटो का वेट कर रहा हो, बस का वेट, ट्रेन का वेट कर रहा हो, उसको लिफ्ट देने की आदत डाल। बस आपकी गाड़ी है, आप गाड़ी में जा रहे हो, आप रुको, कोई आपकी डेस्टिनेशन पे जहां जा रहा है उसको आप लिफ्ट देने की आदत डाल दो, देखना एकदम चेंज आ जाएगा। उस लिफ्ट देने के दौरान में आपकी उनसे कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी और जब कन्वर्सेशन शुरू हो जाएगी, हो सकता है वो जुड़े या ना जुड़े, लेकिन उसे पता चल जाएगा डीएक्शन नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी जानकारी आज मुझे हुई है। कल कभी कोई उसके घर पे जाके अगर डीएक्शन का बारे में बताएगा तो कहेगा हाँ एक अच्छा व्यक्ति मिला था जिसने मुझे लिख दिया था, अपने आप से बोल के लिख दिया था। हम अपनी गाड़ी रोक के, अपनी व्हीकल टू व्हीलर फोर व्हीलर रोक के उसे लिफ्ट दे आ जाए, तो मुझे छोड़ देता हूँ, मुझे डायरेक्शन में जाना है, स्माइल पास करते हुए छोड़ दीजिए, बिना स्वार्थ से कि वो आपका मेंबर बनेगा या नहीं बनेगा, पूरा चेंज हो जाएगा। ये फीलिंग आती है क्योंकि कई बार जब हम लोगों के पास अपने व्हीकल नहीं थे, हम लोग घंटों इंतजार करते